जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पहले फाइंड करेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। ए के ऊपर सी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इसके लिए हम सेट यू के एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे सेट ए के एलिमेंट्स। तो पहले हम सेट यू के सारे एलिमेंट्स इस ब्लैंक में लिखेंगे। ये सेट यू के एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 10 तक, ये हम यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3। फिर हम 3 डॉट्स लगाएंगे, इसका मतलब होता है पूरे 1 से लेकर 10 तक नंबर है। अब आगे देखें, ये माइनस है, तो अब इसके आगे हम इस ब्लैंक में लिखेंगे सेट ए के सारे एलिमेंट्स। ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 5 तक, ये हम यहाँ लिखेंगे। अब ये वाले एलिमेंट्स हम इस सेट से माइनस करेंगे 1 से लेकर 5 तक, बाकी इसमें बचेंगे 6 से लेकर 10 तक, वो हम यहाँ लिखेंगे 6, 7, 8, 9, 10। ये कम्प्लीमेंट फाइंड हो गया ए का। अब इसी तरह ही हम ये बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। इसमें भी हम यू सेट के एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे बी सेट के एलिमेंट्स। तो पहले हम यू सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे इस ब्लैंक में 1, 2, 3। फिर आगे हम 3 डॉट्स लगाएंगे, फिर हम लिख देंगे 10। अब इस ब्लैंक में हम बी सेट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। ये बी सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9। ये सारे ऑड नंबर हैं, ये हम यहाँ लिख देंगे। अब ये वाले सारे ऑड नंबर हम इस नंबर सॉरी इस सेट से हम माइनस कर देंगे, तो बाकी इसमें इवन नंबर बचेंगे 2 से लेकर 10 तक, वो हम यहाँ लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और 10। ये बी का कंप्लीमेंट भी फाइंड हो गया।